इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाकर किसी के आगे लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन कैसे दे सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि हम जैसे अपने आप को बिहेव करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वही दुनिया के आगे हमारी छाप छोड़ती है। हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वो बाहर विदेश में कहीं गए थे और उनको स्पीच देना था। तो जब बात आई कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने स्वामी जी गए हैं, तो फिर वहाँ के लोगों ने इनको बोला कि आप हिंदुस्तान के इतने बड़े स्पीकर हैं, आप इतने बड़ी हस्ती हैं, लेकिन आपने स्टिल ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो सब स्वामी जी ने उनसे एक बात कही थी कि अगर केवल कपड़ों को देख कर ये कहा जाए कि दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी या उनका करेक्टर अच्छा है, तो दुनिया भर में केवल जो कपड़े बनाते हैं उन्हीं की ही पर्सनैलिटी अच्छी रहती, बाकी कोई इतना अच्छा नहीं हो पाता। और ये बात फैक्ट है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी हमारे कपड़े को देखकर नहीं होती है, हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारी अपीयरेंस है उसको देखकर नहीं होती, बल्कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा एक्चुअल जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, उसी के साथ ही और उसी की मदद से ही हम किसी के आगे अपना जो इम्प्रेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग और पॉजिटिव छोड़ सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है इसमें हमने कुछ पॉइंट सेलेक्ट करे हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाएंगे, प्लस जब हम उनका प्रयोग करेंगे अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह वो बॉडी लैंग्वेज के जो गेस्चर्स हैं हमारा इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी वो है पॉजिटिव बॉडी। प्लस का साइन मैंने बनाया है पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव बॉडी यानी कि अब हमारी जो ओवरऑल बॉडी होती है उसमें कैसे हम पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। तो जो सबसे पहले आ जाती है वो होता है हमारा पोस्चर। जो हमारा पोस्चर होता है, जब भी हम किसी से बातें करते हैं, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम खड़े हैं, कहीं पे भी हैं, हमारा पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे जो आर्मी होती है दुनिया में, किसी भी देश की कोई आर्मी होगी, उनसे हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में ही हर एक एक्टिविटी कराई जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी बैक स्ट्रेट रहती है उतना ही कॉन्फिडेंस हमारी पर्सनैलिटी से विजिबल होता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा गेस्चर आ जाता है वो हमारा आ जाता है इंक्लिनेशन का। इंक्लिनेशन की बात आती है, जब भी हम किसी से बात करते हैं क्या हम उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव हमारा आता है या नहीं आता। जब भी आप किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, और अगर आप देखते हैं कि वो इंसान का इंक्लिनेशन हल्का सा झुकाव आपकी तरफ आ रहा है, तो आप और ज़्यादा अच्छा और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ, मेरी बात को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है। वही चीज़ आपको भी करनी है अगर आप चाहते हैं दूसरा इंसान आपको सीरियसली ले और आपके बारे में अच्छा सोचे, तो उसके लिए अच्छा गेस्चर दिखाना पड़ता है। कैसी भी वो बात करें, उनकी तरफ हल्का सा इंक्लिनेशन कर दें। ऐसा करने से हमारा जो पॉजिटिव बॉडी गेस्चर होता है वो तो बन ही जाता है, साथ साथ एक इंप्रेशन भी अच्छा बन जाता है। जो अगला है, जो सेकंड कैटेगरी है इसमें, वो है पॉजिटिव आर्म्स एंड हैंड्स। अब हम सिर्फ अपने हाथों के द्वारा कैसे एक पॉजिटिव गेस्चर, कैसे एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसमें आता है जब भी आप कहीं पे बात करें, कहीं पर भी हो आप, अपने हाथों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप किसी की बात सुनते हैं, कोई एक ओरेटर है, वो आपसे सिर्फ बिना हिले डुले, ना ही कोई फेस में एक्सप्रेशन है, ना ही उनके हाथ हिल रहे हैं, ना ही बॉडी हिल रही है, एकदम स्ट्रेट पोजिशन में वो फिर आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ऑड लगेगा, बड़ा ही अनइम्प्रेसिव सा लगेगा। आपको दिख जाएगा कि वो बहुत डरे हुए हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना के बराबर है। यही चीज़ आइडियलाइज करती है, यही सिंबलाइज करती है हमारी बॉडी। जितना ज़्यादा हम हाथों का प्रयोग करते हैं बात करते समय, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन जाती है, दूसरा इंसान उसको और जल्दी कैच कर लेता है, क्योंकि जैसे हम शब्द अपने मुँह से निकालते हैं उसी को सपोर्ट करते हुए जो हमारे हाथ होते हैं, तो वो स्टेटमेंट को, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि आपको अपने हाथों को ओपन रखना होता है, यानी कि चाहे आप बैठे हो, चाहे आप खड़े हो, आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, ना ही बैठे हुए, ना ही खड़े हुए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए, आपके हाथ अलग अलग होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। ऐसा करने से दूसरे इंसान को ये मैसेज पहुँच जाता है कि आप कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल हैं, या फिर अगर आपको मैं अप्रोच करता हूँ तो आप स्ट्रेट अवे मुझे मना नहीं करेंगे, मुझे रिफ्यूज़ नहीं करेंगे।
तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज गेस्चर होता है। इससे दूसरा इंसान आपको अप्रोचेबल समझता है और जब आपसे कोई कॉन्फिडेंटली आपसे अच्छे से कोई बात करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है हैंडशेक। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो जब हम इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम उनसे हाथ मिलाते हैं और जो हैंडशेक होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इम्प्रेशन छोड़ने में। बहुत ज़्यादा टाइट आप जब किसी से हैंडशेक करेंगे तो दूसरे इंसान को ये लगेगा कि आप अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, आप अपना जोर दिखाना चाह रहे हैं कि आई एम मोर पावरफुल। लेकिन अगर एकदम डेड हैंडशेक जिसको हम कहते हैं बिना ही ताकत का बिना ही किसी एफर्ट का अगर आप हैंडशेक करते हैं वो भी अच्छा नहीं होता। एक नॉर्मल फर्म ग्रिप वाला अच्छे से जब एक हैंडशेक करते हैं तो दूसरे इंसान के चेहरे पे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक हैप्पीनेस एक स्माइल आ जाती है कि हाँ दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड फर्म हैंडशेक। अब जो तीसरी कैटेगरी है हमने बनाई है वो है पॉजिटिव हेड। अब सारा का सारा खेल हमारे सर का है कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ अपने सर की मदद से पॉजिटिव गेस्चर दे सकते हैं एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है नॉडिंग। नॉड का मतलब जब भी कोई आपसे बात करता है तो सर से आप उसकी हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। जब कोई टीचर पढ़ा रही होती है क्लास में जो बच्चे जब ऐसे ऐसे करके मैम को या सर को जब रिप्लाई देते हैं तो टीचर को यह आंसर मिल जाता है कि हाँ बच्चे अटेंशन दे रहे हैं और उनको चीज़ें समझ आ रही हैं। आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे भी ना कर देते हैं, इसका मतलब दे आर एक्टिव इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो नॉड करने से आप दूसरे को ये बता रहे हैं कि जो भी आप इस समय बात मुझसे कर रहे हैं मेरा सारा ध्यान उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में है, तो उसका मैं गेस्चर दे रहा हूँ नॉड करके। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें आई कॉन्टैक्ट। जब हम किसी से आँख मिलाकर बात करते हैं आँखों में आँखें देख के बात करते हैं तो दूसरा इंसान देखता है कि हाँ ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है और ये अच्छे से मुझसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। डिफरेंस आ जाता है घूरने में और आई कॉन्टैक्ट बनाने में। आई कॉन्टैक्ट जब आप बनाते हैं जब तक आपको खुद कम्फर्टेबल फील हो रहा है कि हाँ इतनी अमाउंट का आई कॉन्टैक्ट बहुत है उतना ही बनाएं। लेकिन अगर आपको ये हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि दूसरा इंसान मेरे इस आई कॉन्टैक्ट से थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है तो आप आई कॉन्टैक्ट का थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आई कॉन्टैक्ट बनाकर दूसरे से बात करें। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब आप किसी से आँख में आँख मिलाकर बातें करते हैं तो हाँ ये दिखता है कि आपका ध्यान कहीं और नहीं है, आप डाइवर्टेड नहीं है, आपका सारा फोकस उसकी आँखों में है। जब आप ऐसे बात करते हैं तो दूसरे इंसान का भी अटेंशन पूरा का पूरा आपके ऊपर चला जाता है और आपका इंप्रेशन फिर से अच्छा बन जाता है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी स्माइल। स्माइल का मतलब हो गया कि उस समय स्माइल दे जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है लेकिन अगर उसमें हम स्माइल करके बैठे हैं तो दूसरा इंसान ऑफेंसिव फील कर सकता है, उनको बुरा लग सकता है कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तब हंसे या तब स्माइल दे जब सिचुएशन वैसी हो, किसी ने कुछ फनी बात कही है, कोई लाइट मोड करना है, कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है, तब आप स्माइल करेंगे तो यू आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और दूसरा इंसान जब कोई हंसी मजाक की बात करता है तो उस समय जब आप स्माइल करते हैं जेन्युइन स्माइल, फेक स्माइल नहीं, फेक स्माइल कोई भी कैच कर लेता है। हमें फील होता है कि हम जब फेक स्माइल करते हैं कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है। जैसी भी हमारी स्माइल होती है जब वो एक्चुअल और रियल होती है दूसरा इंसान उसको कैच कर लेता है। तो जब भी अगर आप स्माइल करना चाहते हैं और जेन्युइनली आप स्माइल करना चाहते हैं तभी करें, फेक स्माइल ना करें। तो अभी जो मैंने आपको बताया था ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स थे बॉडी लैंग्वेज के जो हमारे बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स को एक तो पॉजिटिव बनाती है, साथ साथ जो हमारा इंप्रेशन होता है दूसरे के ऊपर वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसी के साथ साथ थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको और बताने वाला हूँ, दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बताता हूँ जो हमारी हेल्प करेंगे, स्पेशली जब ये कोई ऑफिस रिलेटेड स्टफ हो। यानी कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, फर्स्ट टाइम कहीं बैठे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, ये वैसे स्कूल और कॉलेजेस में भी काम करेगा, कहीं पर भी जहाँ पर आपको पता है कि आपको नोट्स बनाने की यहाँ पे सिचुएशन है कि आप बनाएं, तो डेफिनेटली वहाँ पे नोट्स आप बनाएं। फर्स्ट टाइम स्पेशली किसी से मिल रहे हैं, आप उनसे कुछ एडवाइस लेने जा रहे हैं, वो कुछ भी आपसे बातें करते हैं उसको लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखेंगे दूसरा इंसान समझ जाएगा कि हाँ यू आर सीरियस, आप टाइम पास करने नहीं आए मेरे पास, तब वो आपको बिल्कुल दिल से और अच्छे एडवाइस देगा। या फिर कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन भी है, कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं, तब भी उसको नोट लिखें। नोट लिखेंगे तो कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा भी हो जाता है और आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है।
और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप दूसरे बोलने वाले व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ऑब्जर्व करें, वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या वो इस समय गुस्से में है, क्या वो इस समय खुश हैं, ये एनालाइज आपको करना है। ये आप कैसे कर पाते हैं एनालाइज, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है जब हम कोई कॉमेडी वीडियो सिर्फ सुन रहे होते हैं, बिना देखे उस वीडियो को केवल हम सुन रहे हैं, तो कभी कभार कुछ जोक्स को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या वो कैच नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पे ऑडियंस क्यों हंस रही थी। लेकिन जब आप उसी जोक को वीडियो के साथ देखते हैं कि हाँ केवल ऑडियो नहीं है, मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, तब आपको जोक वो अच्छे से समझ आ जाता है। तो कभी कभार हमें बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ चीज़ें समझ आती हैं, ज़रूरी नहीं है केवल सुनकर हमें वो समझ आ जाए। तो जब आप स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तब आप अच्छे से समझ पाते हैं कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आज की वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये तो केवल थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमारी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बना सकते हैं, हमारा इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे गेस्चर छुपे हुए हैं हमारी बॉडी में, और भी बहुत सारी नॉलेज है हमारी बॉडी लैंग्वेज में। जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वर्कआउट करेंगे उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन हम औरों के सामने छोड़ सकेंगे। यहाँ पे फ़र्क ये आ जाता है कि हम बॉडी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो केवल एक इंप्रेशन छोड़ने के लिए नहीं करते, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो जब हमारा एक मन में कंसेप्ट आ जाता है दिमाग में, ये हमने सोच लिया है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और मुझे दुनिया के आगे वैसा ही शो करना है अपने आप को जैसा मैं 100% रियल हूँ, तो हमेशा आप ये देखेंगे कि जो आपका इम्प्रेशन है वो ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और स्टिल अगर आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में और सीखना चाहते हैं, इसको इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आपको भी ये सीखना है तो दी गई डिटेल्स में हमें कॉन्टैक्ट करें और जल्द ही जल्द इस कोर्स को आप सीखें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और आज की वीडियो से जुड़ी कोई बात है, कोई एडवाइस है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो उसको नीचे अवश्य लिखें। तो आज की वीडियो में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।